द शो क्लिप्स में आपका स्वागत है जहां आप झट झट से बहुत कुछ सीख सकते हैं मुझे आपकी पूरी स्टोरी जाननी है क्योंकि जो आपने किया है 18 सालों में पहले तो 18 साल खुद से एक जोक नहीं होती 18 हाँ। साल इज अ लॉन्ग टाइम लोग पांच साल में बिजनेस एग्जिट करने के प्लान्स बना देते हैं हाँ। 18 सालों से सा आपने एक ही बिजनेस चला है क्रेजी हाँ। लर्निंग्स uh, आपके पास होंगे आई एम हाँ, श्योर क्यों स्टार्ट किया बिजनेस में क्योंकि आई डोंट रिमेम्बर दैट मेनी स्टार्टअप फ्रॉम दैट फेस हाँ तो अभी वो स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ तो उस जमाने में कंप्यूटर लैब हुआ करते थे तो आप कंप्यूटर लैब में जाते थे बड़े बड़े डिब्बे होते थे वहाँ पे जाके आपका जो भी रिसर्च है जो भी है वो करना होता था तो मैं जाके वहाँ गेम खेलता था जैसे साइबर कैफे जैसे साइबर कैफे हाँ। बट कंप्यूटर लैब था कॉलेज का तो मैं वहाँ गेम खेलता था एक बार मैंने देखा इधर उधर कि मैं अकेला गेम नहीं खेल रहा हूं मेरे जैसे और भी एक दो लोग हैं कौन सी गेम अलग अलग गेम्स बट जो भी है मैं तो माजोंग खेलता था कोई और कुछ खेल रहा है पोकर खेल रहा है कोई तो कुछ और खेल रहा है ओके okay. तो वैसे मेरी थम्पी को जानता था बट वैसे एक्चुअली पहचान हुई थम्पी के साथ तो गेमिंग में क्या कर सकते हैं और दूसरा मुझे इंडिया जाना था गेमिंग भी है उसमें बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं था गेमिंग में इंटरेस्ट था आ, इंडिया जाना था तो ये क्या कर सकते हैं तो थम्प्योर में हमारी बात शुरू हुई कि यार गेमिंग इंडिया में ऑफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बट कैसी गेम्स ऑफर कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हमें गेमिंग स्टूडियो नहीं बनना था हमें यह नहीं बनना था कि यार हम मीनिंगलेस गेम्स बनाते रहें और लोग एड्स के लिए वो गेम्स खेले बिकॉज फिर वो गेम बोरिंग हो जाती है आपको भी कुछ ऐड दिखाएगा और फिर आपकी गेम बोरिंग हो गई तो आपको ऐड पब्लिशर उधर ऐड पब्लिश करेगा अभी नहीं।, hmm. नहीं कोई देखता नहीं है कोई खेलता नहीं है आपकी गेम तो हमें एक सर्विस ऑफर करनी चाहिए गेमिंग एज ए सर्विस तो वो कैसे ऑफर करे तो वो आप वैसे ऑफर कर सकते हो कि आपको एवरग्रीन गेम्स ऑनलाइन ऑफर करनी है तो वहां से शुरुआत हुई लेट्स ऑफर गेम्स दैट पीपल ऑलवेज लव टू प्ले जो एवरग्रीन थी जो लोगों को पसंद थी खेलने की पर उनके पास एवेन्यू नहीं था कि अभी फिजिकली जाए और सबको इकट्ठा करे और लोगों के साथ गेम खेले बट hmm. इंटरनेट इंटरनेट तब थोड़ा इंप्रूव हो रहा था इंक्रीज हो रहा था तो हमने देखा कि अगर इंटरनेट ग्रोथ होता है जैसे फोरकास्ट किया जा रहा है राइट right? तो फिर ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया एज अ सर्विस कैन बी बिग मार्केट बट अगेन वही सवाल कि आप क्या ऑफर कर सकते हो कौन सी गेम ऑफर कर सकते हो राइट right? तो वहाँ हमने जब रिसर्च किया हमें पता चला गेम ऑफ स्किल जो आप स्किल अपने हुनर से खेलते हो गेम ऑफ चांस जिस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं है इसमें अंतर क्या है इन दो चीज़ों में और फिर आप गेम ऑफ स्किल ऑफ़र कर सकते हो गेम ऑफ़ चांस आप नहीं ऑफ़र कर सकते आ, तो वहाँ से वो शुरुआत हुई जो वो रिसर्च किया तो मैंने बोला चलो यार मुझे तो जाना है इंडिया तो मैं तो पी प्रोग्राम छोड़ के जा रहा हूँ तो एक दूसरी चीज़ मैंने ये की जब मुझे वो इंटरेस्ट मैं जो उधर एक स्टूडेंट काउंसिल होता है ग्रेजुएट स्कूल का एक स्टूडेंट काउंसिल होता है तो मैं उधर प्रेसिडेंट था स्टूडेंट काउंसिल का तो उससे वो डीन जो होते हैं डीन और वह सबसे आपकी पहचान होती है उनसे मिलना होता है उनसे बातें होती हैं तो अगर मुझे प्रोग्राम छोड़ना था तो मुझे डीन से परमिशन लेनी थी तो मैं डीन के पास गया कि ऐसा है कि इकोनॉमिक्स में तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है मुझे अभी इंडिया जाना है और गेमिंग करना है तो डीन भी थोड़ी हैरान होगी कि क्या क्या बोल क्या रहा है ये बंदा उसको लगा होगा नादान है मतलब उसको पता नहीं है और डीन बहुत अच्छी थी तो उन्होंने बोला कि भावन तुम ऐसा करो मैं तुम्हें एक साल के लिए सबैटिकल देती हूँ क्योंकि एक साल तुम घूम लो जो करना है जो अपनी जो भी पसंद है जो भी अपनी ड्रीम है वो एक्सप्लोर करके नेक्स्ट ईयर तक आ जाना वापस क्योंकि वो डीन थी उनको पता था कि स्टार्टअप तो चलते हैं नहीं ऑनप्रोनरशिप तो बहुत रिस्की है मतलब ये कुछ भी बोल रहा है लड़का फिर भी चलो इसको थोड़ा एंटरटेन कर लेते हैं बंदे ले को आप तो मैंने बोला थैंक यू डीन मैं ले लेता हूँ ये बट मुझे नहीं लगता मैं वापस आने वाला हूँ क्योंकि यार अगेन एक चीज़ क्लियर थी कि जो चीज़ मुझे करनी नहीं है वो फिर करके वो उसका पॉइंट नहीं है कुछ कुछ और कर सकते हो आप तो कुछ और करो तो मुझे लगा कि स्टार्टअप नहीं चलेगा तो कुछ और करेंगे बट ये स्टार्ट वहां से हुआ कि गेमिंग करनी है इंडिया आना है इंडिया में करनी है बिकॉज इंडिया में वो इतनी ग्रोथ हो रही है अभी लोगों के डिस्पोजेबल इनकम्स इतने हाई है तो ये कैसे किया जा सकता है जो चीज़ें प्रोजेक्ट हुई थी वो सब हुआ उससे बहुत ज्यादा उससे ज्यादा हुआ उससे ज्यादा मैं ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के परस्पेक्टिव से भी थोड़ा ये पूछ रहा हूँ कि बहुत सारी हाँ, चीज़ें प्रोजेक्ट हाँ, हो, हाँ, होती, होती रहती हैं बहुत बहुत काफी काफी ज्यादा हुआ और ये क्यों हुआ ये मैं आपको बताऊँ ये इसलिए हुआ बिकॉज इंटरनेट जिस तरह से ग्रो हुआ और स्मार्टफोन्स जिस तरह से ग्रो हुए वो लोगों ने सोचा नहीं था बिकॉज वो एक्सपोनेंशली ग्रो हुए एवरीथिंग एल्स ग्रो और इससे दूसरी बात ये कि अभी आप देखो तो इससे ना सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री बट सेमी इंडस्ट्री है वो भी ग्रो हो रही है इतनी hmm. Hmm. आ, बहुत सारी इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज की इंडस्ट्रीज हैं वो भी इतनी ग्रो हो रही है तो मतलब सब कुछ ग्रो हो रहा है एंड गेमिंग इज जस्ट वन इंडस्ट्री आल्सो दैट ग्रो बट बट uh, प्रोजेक्शन से ज्यादा ग्रो इसलिए हुआ बिकॉज स्मार्टफ़ोन्स और इंटरनेट का ग्रोथ बहुत हुआ एंड दिस अगेन गोज बैक टू लक वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं था हम थोड़ी ना स्मार्टफोन या इंटरनेट को बढ़ा दे सकते वो तो जब होना था तब हुआ बट अर्ली डेज तो मुश्किल थे uh, पहले तो इंटरनेट भी मुश्किल था ना डायल अप था उसके बाद आपको आपको पता नहीं आप, आपको ये आइडिया है कि नहीं कि पहले अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो दूसरी बिल्डिंग से एक तार खींच के ऊपर से आपके बिल्डिंग hmm. में आती थी hmm. वहाँ से आपको इंटरनेट मिलती थी और सो कहीं पे भी वो तार पे कुछ हो गया तो आपकी इंटरनेट बंद hmm. तो जब हम गेम्स डेवलप करते थे जो हमारा प्रोडक्ट बना रहे थे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी दो की बात है आम, इंटरनेट बंद हो गया एक दिन मैंने मैंने फ़ोन किया कि आम, यार इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम है आप प्लीज़ आ जाओ तो वो जो टेक टेक्नीशियन था वो बोलता है आ, हाँ सर मैं पहुँच रहा हूँ मैं आ रहा हूँ अभी आ, दो घंटे हो गए आ, मैंने फिर से फ़ोन किया कि सर आप आने वाले थे क्या हुआ सर उसने बोला सर पाँच मिनट में मैं पहुँच रहा हूँ पाँच मिनट स्टेशन पे पहुँच गया हमारी ऑफिस बोरीवली में हुआ करती पाँच मिनट में पहुँच रहा हूँ मैं बस मैं आ रहा हूँ सर मैंने बोला ठीक है पूरा दिन निकल गया हमारा काम रुक रहा था क्योंकि सब ऑनलाइन गेम है तो टेस्टिंग तो इंटरनेट पर होनी चाहिए थी तब मुझे बहुत गुस्सा आया था राइट तो मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया एक दो बातें सुनाई उसको आ, कि यार आपने बोला था पाँच मिनट हो गया अभी तक आए नहीं तो उसने बोला नहीं सर मैं आया था मैं आया था मैंने देखा बट फिर मैं चला गया मैं बोला सर क्यों तो वो बोलता है कि सर वो ऐसा है कि वो जो बगल की बिल्डिंग है जहाँ से वो तार आती है जिससे आपकी बिल्डिंग को इंटरनेट मिल रहा है आ, उधर लिफ्ट नहीं चल रही है उस बिल्डिंग में वो आठ माले की बिल्डिंग थी तो मुझे लगा कि यार जनाब को आठ माले नहीं चल चढ़ने होंगे hmm. तो मैं बोला सर आठ माले एक बार आप चढ़ लेते हमारी इंटरनेट नहीं चल रही है तो बोले नहीं सर वो प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम ये है कि जहाँ से लिफ्ट को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और वो आपको इंटरनेट मिल रहा है वो सब एक ही डिब्बे में है तो क्योंकि उस बिल्डिंग की लिफ्ट नहीं चल रही है उन्होंने वो डिब्बा स्विच ऑफ़ कर दिया है इसलिए आपको इधर इंटरनेट नहीं मिल रहा है अब तो ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था किसी ने नहीं सोचा था कि यार किसी बिल्डिंग में लिफ्ट अगर नहीं चल रही है और उसकी वजह से किसी और को इंटरनेट नहीं मिलेगा तो नहीं। ये तो मतलब बहुत हैरानी की बात है तो ऐसी सब चीज़ें हुई है हमारे साथ कि यार आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से इश्यूज़ आते हैं ताकि लोग कॉन्टेक्ट समझे थोड़ा सा पॉडकास्ट ही सवाल है आज आपका एनुअल रेवेन्यू आप कुछ रफली बता सकते हो Uh, तो जो लेटेस्ट ऑडिटेड नंबर्स हैं वो भी है अवेलेबल तो जिसको अगर देखना है तो वो, uh, वो कोई कोई आपको शो ऑफ नहीं मानेगा <laughs> क्योंकि आप आप बहुत <laughs> हम्बल हो ओके वुड यू फील बैड अगर अथरवा सर्च करें अगर मैं बोल दूं <laughs> हाँ चलेगा? हाँ आप आप बोल दूं मैं तो ये होती है <laughs> असली बिजनेसमैन की पहचान <laughs> इसलिए जब पॉडकास्ट के स्टार्ट होने से पहले आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया नौ साल के सफर के लिए एक्चुअली जब कोई कंग्रेचुलेट करता है मेरे दिमाग में सब नेगेटिव चीज़ें फ्लैश होने लगती है कि क्या क्या हुआ है यहाँ तक पहुंचने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, आपका चेहरा बहुत स्वीट है <laughs> <laughs> <Thank you. laughs> <मुस्करा> हो। बट <laughs> uh, मैं मैं ये आपको बोलना चाहूंगा कि नौ साल आ, आप मेरे लिए अट्ठा से बट नौ साल भी कोई मजाक नहीं है नौ साल भी बहुत होता है आज लोग छ छ महीने में एक साल में जॉब बदलते हैं Uh, uh, क्योंकि शायद को पसंद नहीं आता जो वो करते हैं पर फिर वो उस चीज़ को ज़्यादा चांस भी नहीं दे रहे हैं मतलब hmm. तो नौ साल तो बहुत बड़ी बात है और और ये आई थिंक ये भी दर्शकों को ऑडियंस को समझना ज़रूरी है कि अगर पहले टेक में या पहले कुछ महीनों में आपको कोई चीज़ पसंद ना आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी छोड़ ही दो hmm. अगर आप किसी चीज़ को चांस दोगे दो तीन चार चांस दो के तो क्या पता आपको शायद बहुत पसंद आ जाए अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हजार क्लिप्स अपलोड किए गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ